आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी धारण करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम हरीश गिरी का है, वो फर्जी पुलिस दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो जनता के लोगों से धोखाधड़ी तथा उधारी ऋण का नाम लेकर फर्जी पुलिस बनकर लोगों से अवैध वसूली करने का कार्य करता था, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी। उक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाइन से प्रिंस ढाबा से 50 मीटर दूरी पर बरेली रोड पर जनता में पुलिस वाला बनकर जनता के साथ धोखाधड़ी करने की फिराक में खड़ा था, जिसे थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास पुलिस की एक जोड़ी वर्दी, पुलिस की एक बेल्ट, कैप, ताज लगी हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच, उत्तर प्रदेश पुलिस का परिचय पत्र तथा एक मोबाइल फोन एवं एक कार बरामद किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अधिकार अभियुक्त के न्यायालय समक्ष पेश किया गया है। हाँ, देखिए, एक हरीश गिरी नाम का व्यक्ति जो आरक्षी की फर्जी आईडी बनाकर वर्दी पहनकर लोगों से ठगी और धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया, जैसा ज्ञात हुआ कि ये रहने वाला बागपत का है और पिछले काफी समय से इस तरह के जो है कार्यों में लिप्त है, और इसका कई पुलिस कर्मचारियों के साथ फोटोग्राफ्स भी है, और जिसको दिखाकर लोगों पर रौब गाँटता था। रगे हाथ कल इसको जो है पकड़ा गया और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके रिमांड लिया जा रहा है। क्या नाम है? इसका नाम हरीश गिरी है। आगे रहने वाला? ये रहने वाले बागपत के हैं, रामनगर गांव का नाम है, थाना सिंघावली। नहीं, ये जैसा लोग बता रहे हैं कि एक डेढ़ महीने से लोग देख रहे थे इसको, पकड़ा तो ये कल रात में गया है।